तो भालू कैप्टन मार्वल का सीक्वल फाइनली आ रहा है, लेकिन इसका नाम बदल के द मार्वल्स रखा गया है। अब ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि ये तीनों खूबसूरत मोहतरमाए एक साथ मिलके कांड करने वाली है, और साथ ही में इन तीनों के साथ एक एनाकोंडा से भी ज्यादा खतरनाक बिल्ली और अपने फ्यूरी चचा भी है। मतलब भाई मजे ही मजे है। तो टीजर के शुरुआत में ही अपने को दिखाया गया है कि अपने फ्यूरी चचा अपने पुराने अंदाज में वापस काम पे लग गए हैं, और कसम से इनको ऐसा देख के मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि एवेंजर अपने आसपास ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सेवर नाम के एक स्पेस स्टेशन पर है। और वांडा विजन के हादसों की पैदाइश मोनिका रैम्बू एक पोर्टल पर रिसर्च करने की कोशिश करती है, जिसके चक्कर में ये बड़ा कांड हो जाता है। वैसे भी मार्वल की मूवी हो और कोई कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और भैया जैसे ही मोनिका रैम्बू इस अतरंगी चीज को टच करती है, वैसे ही बदला बदली का खेल शुरू हो जाता है और बॉडी स्वैपिंग शुरू हो जाती है। और पता नहीं कैसे, पर आगे जब भी कमाला खान, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बू अपनी पावर्स का यूज करती है, तो उनकी जगह ऑटोमेटिकली एक दूसरे से चेंज हो जाती है, और इसी कांड को लेकर ये पूरी मूवी होने वाली है। वैसे भाई कमाला खान का एक्साइटमेंट देखा, मतलब जब भी इसको मौका मिलता है एवेंजर्स की भर्ती मारने निकल पड़ती है, याद कि ये स्पेस में उल्टा लटकी हुई है और फिर भी अपने फ्यूरी चचा को ऑडिशन के बारे में पूछ रही है। मतलब बंदी की तड़प देख रहे हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर तो अब इस फैले हुए रायते को निक फ्यूरी को ही समझना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, सीक्रेट इन्वेजन छोड़ के फ्यूरी इधर क्या कर रहा है? कई लोगी की तरह इसने भी अपनी मौत को चकमा तो नहीं दिया? जा पूछ क्या, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्यूरी का रोल भी मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन जितना ही रखा था, उसी में उसको आयरन मैन की तरह निपटा दिया जाएगा, क्योंकि भाई नई टीम भी तो बनानी है। लेकिन अगर फ्यूरी अभी इसमें जिंदा है तो दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन पहले आ रहा है, इसलिए या तो मार्वल ने फ्यूरी का रोल बढ़ा दिया है, या फिर तो मार्वल प्रीक्वल की तरह है जो सीक्रेट इन्वेजन के पहले वाली टाइमलाइन में सेट है। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि इस मूवी को लेकर मार्वल ने बहुत लपड़े किए है भाई। कहा ये भी जा रहा है कि मूवी में बहुत से चेंजेस किए जा चुके हैं, इसका बहुत सारा रीशूट भी किया जा चुका है। अब वो कौन से चेंजेस है इसको लेकर मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और सच कहूं तो मुझे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए यही काफी है कि ये मूवी फाइनली इस साल नवंबर में आ रही है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत बार डिले किया गया है। सबसे पहले इसे जुलाई 2022 में रिलीज किया जा रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी रिलीज डेट को वहाँ से पोस्टपोन करके नवंबर 2022 किया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, और फिर इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन करके जुलाई 2023 किया गया, और फाइनली अब नवंबर में आ रही है। अबे इतने तो डीसी के सीईओ भी नहीं बदलते जितना कि इसकी रिलीज डेट बदली है। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? पर ठीक है, अब आ रही है, और शायद इस बार तो आ ही जाएगी। तो रिलीज डेट को पीछे सरका के चलो अब एक नजर विलन साइबा पर भी डाल लेती है। तो ये है हमारी विलन साइबा, जो शायद रोनन की प्रजाति की बची एक लौती जीव है। अरे नहीं यार, यहाँ तो रोनन का पूरा खानदान मौजूद है, और ये पिछले वाला जीव तो बिल्कुल रोनन ही लग रहा है, शायद उसकी कोई नाजायज औलाद होगी। लेकिन ये बंदी जिसके पास कमाला खान के डुप्लीकेट चूड़िया कड़े मौजूद है, अकेले ही इन तीनों का मुकाबला कर रही है। मतलब विलन बहुत तगड़ा है, और मजा भी तगड़ा होगा। हालांकि अपनी कैप्टन मार्वल बॉडी एक्सचेंज के एक का डबल के ऑफर में फंस चुकी है, वरना वो तो अकेली ही इसको संभाल लेती। वैसे टीजर मुझे अच्छा लगा, और पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मूवी के लिए उतना ही एक्साइटेड हूं जितना कि कमाला खान एवेंजर्स में भर्ती होने के लिए है। और भालोग इसका रीजन सिंपल है, इसमें तीन तीन हसीनाएं एक साथ आ रही है, और मुझे बिल्कुल थ्रीसम, ओ सॉरी आई मीन मेरा मतलब है एकदम प्यार वाली फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग जो मैं कह तो नहीं पाऊंगा पर तुम समझ लो। खैर छोड़ो, कुछ ज्यादा बोलने से पहले रुक जाती है, पर हाँ तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो। साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक आप वांडा विजन और कमाला खान की सीरीज दोबारा देख लो, क्योंकि इस मूवी को देखने से पहले उसका रिवाइंड करना बहुत जरूरी है।